देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और उन्होंने गोहाना पहुंचकर जो है गोहाना से विधायक जगबीर सिंह मलिक के बड़े भाई राजेंद्र के देहांत पर शोक व्यक्त किया और इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि दिल्ली में जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों के धरने को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा गया और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की जेजेपी और बीजेपी सरकार भी को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जो गठबंधन सरकार है यह गठबंधन नहीं ठगबंधन की सरकार है। और वहीं जयप्रकाश ने इनेलो की परिवर्तन यात्रा पर अभय सिंह चौटाला पर भी कटाक्ष किया। जयप्रकाश ने कुश्ती खिलाड़ियों पर का समर्थन करते हुए कहा कि कुश्ती खिलाड़ी धरने पर ठीक बैठे हैं और इस अवसर पर उन्होंने एनडीए सरकार का खिलाड़ियों के प्रति रवैये ठीक नहीं बताया है। और जिस पर जयप्रकाश ने कहा कि इस सरकार को जो है उखाड़ फेंकने का समय आ गया है और उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की जो बीजेपी की सरकार है यह झूठी सरकार है, जो वादे करके सत्ता में आई थी उनको ये जो सरकार है वो भूल चुकी है। और उन्होंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है वह कुंभकर्णीय नींद में सो रही है। आज जयप्रकाश गोहाना में कांग्रेस के विधायक जगबीर सिंह मलिक के बड़े भाई राजेंद्र के देहांत पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ जो है पूर्व में स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा भी शोक व्यक्त करने पहुंचे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा भी इस अवसर पर मौजूद रही, वह भी शोक प्रकट करने पहुंची थी। आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। देखिए खिलाड़ी बिल्कुल ठीक बैठे हैं, वैसे तो डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र में लोक राज लोक लाज से चलता है और जब सत्ताधारी दलों की लोक लाज खत्म हो जाए, हमारे यहाँ कहावत है जिसकी उतरगी लोही के करेगा कोई, गठबंधन सरकार या एनडीए सरकार जिस तरह का रवैया हमारे खिलाड़ी भाई और बहनों के साथ अपना रही है, इससे हमें ये लगता है कि सरकार सामाजिक तौर से बिल्कुल बुरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव तौर से फेल हो चुकी है। देखो तो उसी से पूछो, इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ता क्योंकि आपको खुद भी पता है कि वो पार्टी वो सिस्टम क्या है, वो तो वही जाने बीजेपी के लोग जाने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों का जिस तरीके से अपमान किया गया है, साक्षी का नाम केवल यहाँ नहीं हरियाणा में नहीं पूरे देश में उसने रोशन किया है, इसी तरीके से फोगाट का, अब वो मुझे देखे मैं देख रहा था कल वो रो रही थी। तो केंद्र की सरकार ने शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ जाती हो रही है और भारत सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। यही हाल हरियाणा प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लड़की कहाँ से पढ़ाओगे, स्कूल बंद कर दिए, लड़की बचाएंगे बदमाशों से, कौन बचाएगा, कानून, कानून आज इस सरकार ने खत्म कर दिया। सरकार का एक मंत्री जिस तरीके से अपनी खोज के साथ दुर्व्यवहार करे और उसके बाद शर्म आने चाहिए सरकार में बैठे जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को, वो इस तरह की बात करे कि इसका कसूर ही नहीं तो कसूर किसका है। अगर यही गलत काम आम आदमी पे कोई शिकायत होती तो यही पार्टी यही सरकार ड्रामे कर देती। तो आज क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये गठबंधन के जो लोग हैं लोगों के खून और पसीने की कमाई को ऐश और ऐश्वर्य में बरतने का काम किए, विदेशों में सैर सपाटे करते हैं, यहाँ किसान दुखी है, यहाँ छात्र दुखी है, यहाँ खिलाड़ी दुखी है, किसी की सूझ नहीं लेते। इसलिए मेरे हिसाब से इस सरकार के ऊपर इतनी बात बहुत ज्यादा है, इनको पता लगेगा 2024 में जब ये लोगों के बीच में जाएंगे और लोग इनसे सवाल करेंगे कि जब हमारी कोच बहनों का अपमान हो रहा था उस वक्त ये जेजेपी के नेता कहाँ थे, बीजेपी के नेता कहाँ थे, जब किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा था, 1.25 साल तक किसान धरने पर बैठे थे, 730 किसानों ने अपनी शहादत दी, उस वक्त आप दोनों दलों के लोग कहाँ थे। तो छात्रों पे लाठीचार्ज, अधिकारियों पे लाठी, कर्मचारियों पे लाठी चार्ज, सरपंचों पे लाठी चार्ज, यानी कि अंग्रेज के राज में भी देश की आजादी के समय इतनी बार लाठी चार्ज नहीं हुई जितनी बार हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के उन लोगों पर भी लाठी चार्ज की
जिन्होंने बख्तन बेबख्तन इनको वोट देकर के जितवाने का काम। इनेलो की परिवर्तन यात्रा चल रही है और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने जो है जो नौकरियां लगाई वो कोई इसमें घोटाला नहीं किया, तो फिर जेल में क्यों गए भाई? वो तो उन्हीं से पूछ लो। और मैं ये कहता हूँ वो तो नाम ही घोटाला है, एक घोटाला थोड़ा है। जब चौधरी ओम प्रकाश सत्ता में थे, कितने ऐसे निर्दोष लोगों के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें जयप्रकाश भी शामिल है, आनंद सिंह डांगी भी शामिल है, स्वर्गीय तेजिंदर पाल भी शामिल है, तो बहुत लोग थे, कितने लोगों को परेशान किया। तो आज इस तरह की बातें करना, हम पर झूठे मुकदमे, कांग्रेस के लोगों ने हमें गिरफ्तार करवा दिया, भाई कांग्रेस का क्या लेना देना? ये लिस्ट बनाई थी स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के राज में, अगर उस लिस्ट को ना बदलते तो ये फिर क्यों जेल में जाते भाई? इसका तो जवाब उन्होंने देना चाहिए। अरे ये कौन कहता नौकरी नहीं बिकती? इनके राज में तो लाइन लग रही थी। आप खुद ही कमे हो, कोई यू ग्रुप बेचे करता, हो कोई यू ग्रुप बेचे करता, बेचे कर दे सारा सौदा।